गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल, आप सभी का स्वागत है महक के ब्लॉग्स में। तो गाइस अभी उठ चुके हैं और ये वाला हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना आप लोग। और यहाँ पे गाइस कल हम लोगों ने जो रूम देख के आए थे अभी हम लोग, तो मम्मी को तो ठीक लगा था लेकिन पापा थोड़ा सा उसमें कुछ बोलना चाहते हैं। क्या हुआ? वो ज़्यादा दूर है, दूर ज्यादा है ना, दूर ज्यादा है और थोड़ा गंदा भी लग रहा है वो, इसलिए ऐसा साफ तो हो जाएगा फिर, वो तो काफी दिन से बंद होगा। तो नहीं पास में देखने का बोल रहा है, पास में देखेंगे पर वो गंदा भी होता है, दो चार जगह पास में देख लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा ही दूर पड़ रही है ना, दूर नहीं लेना पास में ही लेना अपन को, पास में लेना ताकि वो आना जाना रहे सही साथ, और अपन को सामान रखना है मेन, तो इसलिए ऐसा ही देखना है। हाँ पापा के कुछ दोस्त वोस्त भी है तो वो बता रहे थे कुछ। ठीक है ना। इधर मम्मी बना रहे थे, ओट्स की तैयारी हो रही है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में, और मम्मी थोड़ा टाइट हो जाता है यार आपके हाथ से ही, मेरे हाथ से भी हो जाता है, सही हो जाता है। ये सही बना देती है मैक, ठीक है मम्मी ने सही बना दी है, ठीक है। हाँ मैं क्या करती हूँ, पानी ज्यादा लेती हूँ, ओट्स थोड़ा कम लेती हूँ, तो वो क्या होता है पानी और ओट्स मिक्स हो जाता है। हाँ और मम्मी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, बहुत सारा हो गया वो जरा सा। चार चम्मच तो गाइस यहाँ पे लगा जा रहा है सुबह सुबह मॉर्निंग में पूछा, देखो सारे काम करके है उसके बाद ही नहाया जाता है सुबह सुबह, काम करने के बाद नहाना। मैं और पापा गणेश जी की पूजा के चक्कर में जल्दी इससे जल्दी नहा लेते हैं, क्योंकि सुबह की ड्यूटी पापा मम्मी की, शाम की मेरी और सोहन भैया की है। हाँ। आप तो जिम चले जाते हो शाम को फिर, है ना? हाँ, तो जैसे मैं तो शामिल ही नहीं होता। नहीं दर्शन करके जाते हैं, मतलब सारी तैयारी हम करते हैं लेकिन सिर्फ दर्शन करते हैं, सच बोलती हूँ, झूठ बोलती है, सच ही बोलती है। झूठ का तो कहीं से कहीं नामो निशान नहीं है, झूठ क्यों बोलूं, वो देख रहा है यही पास बैठे मेरे, झूठ बोलूं तो मुझे फिर माथे आ जाएंगे अभी गणेश जी। ये लड़की झूठ बोलती है, लड्डू लेके आई भाई कल स्कूटी से लेके, अकेले चले गई मार्केट, छोटी को लेके गई और पूरा इलाका वहाँ पे पता है ना कैसा है, और उसके बाद में भी अकेली इतनी साड़ी में कोई नहीं पहचानता है, साड़ी में रात में नाइट में कोई नहीं पहचानता है। अरे फिर भी यार मम्मी थोड़ा बहुत तो रखना चाहिए, नाइट में गई वो भी यार, चलो कितनी बजे, साढ़े सात बजे नाइट हो जाती है, साढ़े सात बजे क्या सब जगह पूजा होती है, भीड़ भड़ा भीड़ रहती है, तो मार्केट में अकेले जाने की क्या जरूरत थी ये बताओ। मार्केट तो नहीं था बीच में से, इधर से रोड पे ही है अपने, तो मंदिर पास में तो है यार, हमें अकेले नहीं भेजना चाहिए अभी, छोटी को लेके गई कोई, बड़ा बड़े को लेके जाती, फिर बड़ा कोई नहीं था, माया सोन भैया को बोली थी, सोन भैया अपने दोस्त के साथ चले गए थे, तो उन्होंने बोला मैं 9 बजे आऊंगा भाभी, तो रोज सोन भैया के साथ ही जाती हूँ सामान लेने के लिए, और उसके बाद आपको बोली तो आपने बोला कि मैं काम करना हूँ, मुझे जिम भी जाना है, ठीक है तुम चले जाओ, तो ऐसा बोला, फिर आपने बोला कि जाओ ले जाओ छोटी सपना में से, छोटी को ले गई बताओ, मैंने तो गए थे ना स्कूटी नहीं चला पाई थी इसके चक्कर में, बस स्टैंड सब जगह गई थी, देखो बस स्टैंड भी हो गया, अगर बस स्टैंड पे घूम लेते मालूम है ना, लड्डू ये देखो, ये गाइस ये कोई डरते हैं क्या, भगवान का सामान लेने गए, भगवान साथ में थे, कोई क्या कुछ कर सकता है, ऐसे ही करते हैं फिर में ना मम्मी, फिर इसलिए फिर गुस्सा आता है मेरे को, फिर अकेले चिढ़ती चिढ़ाती है फिर, आप बताओ कि भीड़ में मम्मी, इतनी भीड़ में कोई क्या जरूरत थी जाने की, फिर भी क्या जरूरत थी अपने जाने की, मैं कब तक मैं घूमूं फिरूं, हाँ नहीं घूमना घूमना तो जाओ ना अपने साथ में, जाओ झांसी की रानी है वो, तू टेंशन यार मम्मी यार एक बार को अपने को डर लग जाए लेकिन इसको तो नहीं लगता यार, है ना, नहीं डरती अब, नहीं डरती पहले थोड़ा डर लगता था लेकिन अब नहीं डरती, क्या मैंने क्यों कुछ गलत थोड़ी करा है, ये बात भी है गलत तो कुछ करा नहीं है, वो लोगों की मानसिकता ऐसी है कि गलत कर रहे हैं लेकिन गलत तो कुछ कर नहीं रहे, ये तो सही है, मतलब बाहर बहुत सारे लोगों ने बाहर बहुत सारे ऐसे देख रहे थे, मतलब ऐसा मुझे ऐसा लगता है मैं छोटी को बोलूँ छोटी सब अपने को देख रहे हैं, मैं छोटी को बोलूँ छोटी मेरे मुंह पे कुछ लगा है क्या, तो छोटे को बोले कुछ नहीं लगा भाभी तो ऐसे ही देखते हैं, तुम वीडियो बनाती हो नहीं,
तो गाइस यही था, मतलब भगवान जी की पूजा तो अच्छी तरीके से सुबह सुबह हो चुकी है और सोहन भी अभी कहीं गया हुआ है मार्केट में, और यहाँ पे मम्मी ने मेरा ओट्स रेडी कर दिए देख सकते हो, और अभी ओट्स करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइस महक के लिए यहाँ पे पानी पूरी लेके आ गया भाई, सुबह सुबह इसको पानी पूरी चाहिए थी ब्रेकफास्ट में। यहाँ पर मैं ना नहाकर आ गई हूँ और रेडी भी हो गई हूँ, तो अभी चलते हैं भगवान जी के दर्शन करते हैं। सबसे पहला तो गणेश जी के हमारे आप लेते हैं मम्मी के आशीर्वाद। आप हमारी मम्मी पता नहीं क्या बना रहे, खुश रहो। चलो गाइस तो अब बनाएंगे कुछ ना कुछ। और है ना मैंने लिए पतासी ले ली, तो वही पतासी पानी पूरी किया था एकदम मुझे। देखो गाइस आज सुबह सुबह मैं खाऊंगी पानी पूरी, यस, क्योंकि गाइस है ना पास में ना यहाँ पर मतलब घर है, तो ये शॉप लगाते हैं पानी पूरी की, तो रोज मतलब 12-11 बजे के यहाँ पतासी पूरी रेडी हो जाती है, निकल जाते हैं। तो आज देखो पानी पूरी घर की है और बहुत टेस्टी, तो मैं खाऊंगी। तो गाइस सब अच्छे से आशीर्वाद ले लिए सबके, और है ना रूम की मैं यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, तो पापा से बोला था, इन्हें भी बात करी थी, तो पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया वो रूम, और दूर भी लगा उनको क्योंकि वो थोड़ा दूर है, और कभी तुम आओ जाओ तो तुम्हारा कितना दूर पड़ेगा, तो पापा ने मना कर दिया। फिर मैंने बोला पापा आने जाने का तो इतना काम रहेगा ही नहीं है ना, थोड़ी बहुत साफ सफाई करने का रहेगा, लेकिन फिर पापा ने बोला नहीं आसपास ही लो और अपने पास में रहेगा तो सही रहेगा। फिर मैंने बोला ठीक है, तो पापा ने फिर मेरे को रात को ना मेरे पापा से बात की थी, तो पापा ने बोला था कि बेटा इधर की साइड एक रूम है और मेरे मतलब फ्रेंड के पहचान का है, तो पहचान में रहेगा तो सही रहेगा, क्योंकि आजकल कहीं भी अपन रूम लेते हैं रेंट से भी लेते हैं ना, तो पूछताछ बहुत करते हैं कि कौन है कहाँ से आए हैं, तो ऐसी जगह लेना है जहाँ अपने को पहचाने भी सही और कोई दिक्कत भी ना हो, और अपने वाले लोग हो आसपास, मतलब कि गाइस अगर आगे से कल से पता भी चलता है ना किसी को मैटर क्या है, तो वो चक्कर में ये रहेगा ना कि हाँ यार भाई कि पहचान वाले ने किसी ने दिलाया तो पहचान वाले ही होंगे, तो कल से अगर मालूम भी पड़ जाता है कि ऐसा हिंदू मुस्लिम कपल है या ऐसा कुछ, तो प्रॉब्लम नहीं रहे, क्योंकि पता चलेगा कि हम लोग उनको डायरेक्टली जाके बोल देंगे कि भाई ऐसा ऐसा मिल रहा है, तो कोई रूम ही नहीं देगा, सबसे पहली कंडीशन तो भाई यही आती है। हाँ, यही आती, पूछते हैं ना यार, पूछते हैं क्योंकि एक सेफ्टी के लिए, वही ना, क्योंकि डर आजकल सबको बना रहता है, और मालूम है आपको कि चलो इंटर कास्ट में तो फिर भी लोग समझ जाते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम वाला जो मैटर सुन के ही लोग दूर भागते हैं आज के टाइम में, तो इसलिए थोड़ा सा क्या है कि कोई पहचान वाला रहेगा ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पापा का एक फ्रेंड है, तो उन्होंने बोला है कि मैं दिखा दूंगा इनको कमरा, और अच्छा कमरा मिल जाएगा, मतलब 1500 से 2000-2500 रुपए के आसपास मिल जाएगा। इतना मतलब उनके फ्रेंड ही बोल रहे थे, पापा बता रहे थे कि इतना भी अपने को हाई फाई नहीं लेना, इतना रेंट अपने को सिर्फ सामान रखना है, अभी थोड़े टाइम के लिए सामान रखना है, थोड़े टाइम के लिए रखना है, क्योंकि वहाँ पे 5000 देने से अच्छा है इसके 1500 से 2000 रुपए देना ज़्यादा बेटर है, क्यों मम्मी? तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेडी कर रहे हैं मम्मी, पता नहीं क्या बन रही है आज, तेरे ब्राउन राइस की खिचड़ी। हाँ, गाइस ब्राउन राइस की खिचड़ी बन रहा है। कल एक कमेंट था तो वो बोल रहे थे ऐसा कि राइस से क्या वेट नहीं बढ़ता है क्या, तो देखो भाई वाइट राइस जो आप खाते हो ना तो वाइट राइस से वेट गेन होता है, लेकिन अगर ब्राउन राइस खाते हैं ना तो ब्राउन राइस से इतना वेट गेन नहीं होता, उसके अंदर भी फाइबर अच्छा होता है जो पेट के लिए भी अच्छा होता है, कार्ब्स रहते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में रहते हैं। अब जैसे कि मैं आपका जिम का बता दिया कि अब सबको पता चल गया, अपने ऑडियंस को सब्सक्राइबर को, कि आप जिम जाने लगे, तो बहुत सारे वहाँ कमेंट कर रहे थे कि हमें भी बता दो भैया कि आप कौन सा प्रोटीन ले रहे हो, क्योंकि हमारा ही वेट गेन नहीं हो रहा है, ऐसा बोल रहे थे। पेड प्रमोशन अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं प्रोटीन वोटीन का, तो अभी कोई इसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी जिम चल रही है तो वो मेंटेन कर रहे हैं अभी, क्योंकि बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हो गया था तो उसको मेंटेन करा जा रहा है, क्योंकि गुजरात में उस टाइम थे ना, तो उस टाइम से 1 से 1.5 साल हो गया भाई जिम बंद करे हुए, क्योंकि 2004 क्या डला दिया मम्मी तेरे ब्राउन राइस बना रही है, तो क्या जला दिया, जला तो कुछ भी नहीं, तो खांसी आ रही मिर्ची। तो गाइस जिम तो 2014 से लेके अभी 2024 चल रहा है, तो अनुमान लगा सकते हो कितना टाइम हो गया है, लेकिन अभी कोविड के टाइम में थोड़ा सा बंद हुआ था, और उसके बाद में अभी हम महक और हम दोनों की जब शादी हुई 2023 से लेके अभी 2024, ठीक है, तो मतलब एक साल का प्रॉपर पूरा गेप हो गया, तो इस चक्कर में पूरे कॉम्पिटिशन वगैरह सब कुछ नहीं खेल पाया, लेकिन अभी वापस से थोड़ा सा वापस से हम लोग सोच रहे हैं कि वापस से मेंटेन करें थोड़ा सा वापस से बॉडी को,
और उसके बाद में अगर होगा फ्यूचर में तो फिर वापस से गेम में वापस से एंटर करेंगे, तो सोचा ऐसा कुछ। और बाकी मेरी पर्सनल ट्रेनिंग भी चल रही है, लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ ऑनलाइन। ये अगर किसी को ट्रेनिंग चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा गाइस, कि कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि आपको, आप जो घर ले रहे हो तो थोड़ा सा देख के लेना, आसपास थोड़ी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना। तो हम लोगों ने वही चीज़ प्लान करी। अभी हम लोग वहाँ पे इतना दूर रह रहे थे तो पापा ने इसीलिए मना करा, क्योंकि बेटा देखो वहाँ पे अगर इतना ज़्यादा दूर रहोगे तुम तो वहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि आना जाना नहीं हो पाएगा इतना ज़्यादा, क्योंकि वो 2 से 2.5 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, तो ज़्यादा दूर हो जाएगा। तो ऐसा लेना है अपने को जो जैसे 300-400 मीटर के आसपास ही हो, ताकि आना जाना भी रहे और वहाँ की साफ सफाई भी होती रहे। तो उससे क्या होगा कि वो सामान में सामान भी ख़राब नहीं होगा। अब वहाँ पे हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं अभी, वहाँ पे जहाँ पे रूम है, एक महीना हो जाता है अभी हम लोगों को जाए हुए वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन हो जाती है ना गाइस कि पूरी जगह मतलब जंग, वो कहते हैं ना फफूंद लग जाती है, फफूंद जैसा हो जाता है वहाँ पे पूरे घर के अंदर। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि पास में लेंगे ना तो साफ सफाई भी होती रहेगी, आते जाते रहेंगे हम लोग, साफ सफाई भी होती रहेगी और बाकी सब चीज़ चलती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें थी, आई होप आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा। और टेंशन मत लीजिए, हम लोग लेंगे ऐसी जगह पे ही कि जहाँ पे कम्युनिटी हमारी ज़्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है। चलो यही चीज़ें थी बाकी, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने ध्यान रखें, चैनल पर जो विजिट करें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।